जय श्री कृष्णा। महाभारत जीवन जीने की कला का ग्रंथ है। इसमें कई तरह का ज्ञान है। अलग अलग पात्रों ने अपने अपने हिसाब से परिस्थितियों का सामना करने की शिक्षा दी है। इनमें से एक पात्र थे विदुर। उन्होंने भी अपने ज्ञान से कई लोगों को रास्ता दिखाया है। उनके इसी ज्ञान को अलग से विदुर नीति के रूप में भी संग्रहित किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब पांडवों को दुर्योधन और शकुनी ने जुए में हरा दिया और उन्हें इंद्रप्रस्थ आदि छोड़कर वनवास में जाना पड़ा, तब अर्जुन और भीम ने दुर्योधन से बदला लेने, दुशासन को मारने और इंद्रप्रस्थ वापस लेने की प्रतिज्ञाएं की। तब वनवास जाते पांडवों को विदुर ने समझाया कि किस तरह के लोग अपने कामों में सफल होते हैं। विदुर ने उन्हें बताया कि जो लोग दृढ़ संकल्प के साथ काम शुरू करते हैं, फिर किसी भी कारण से उसे रोकते नहीं, समय का पूरा सदुपयोग करते हैं और अपने मन पर सदा नियंत्रण रखते हैं, इन चार गुणों वाले लोग ही हमेशा सफल होते हैं। विदुर के कहने का अर्थ था, पहले दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें, किसी भी कारण से काम को रोके नहीं, समय का हमेशा ध्यान रखें और अपने मन को वश में रखें, ऐसा व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से मन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। बिना मन से या बिना सोचे समझे शुरू किया गया काम कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। विद्वान विदुर के अनुसार किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लें और उसे सफल करने का निश्चय करें। ऐसा करने से आपको उस काम में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कई लोग जोश और उत्साह में आकर काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिलचस्पी उस काम से कम होने लगती है और वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी भी काम की सफलता में यह सबसे बड़ी रुकावट होती है। इसीलिए ध्यान रखें कि चाहे कोई भी हो, अपने निश्चय पर अड़े रहें और काम को पूरा किए बिना उसे छोड़े नहीं। किसी भी मनुष्य को सफल या असफल बनाने में समय का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो मनुष्य समय की कीमत समझता है, वो किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर जाता है। समय को व्यर्थ करने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता नहीं पा सकता। किसी भी अन्य गतिविधि में समय को बर्बाद ना करें। मन को वश में रखना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हर किसी का मन बहुत ही चंचल होता है। वो एक जगह या एक काम पर टिक नहीं पाता। जो मनुष्य अपने मन और अपनी इच्छाओं को वश में नहीं रख पाता, वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी अनावश्यक इच्छाओं को वश में रखकर पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्णा।